मतलब जब हम स्कूल जाते हैं या फिर मतलब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है मैं बता नहीं सकती। मतलब हम जब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर्स इतना पढ़े तो पास हो जाओगे, इतना रट लो पास हो जाओगे, मतलब महात्मा गांधी याद करके फिट निकल जाएगा। कि मैं स्कूल में मतलब इंग्लिश को ऐसा समझती थी कि हाँ बस पास होना है, 33 मार्क्स बराबर। लेकिन अब मुझे आके पता चल रहा है कि मेरा बेसिक कुछ भी नहीं है, मतलब मुझे कोई नहीं पता कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी। तो मतलब आप लोग कुछ बता सकते हो क्या कि मैं कैसे शुरुआत करूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता इंग्लिश में, मतलब सर। अरे पहले ना मैं उसके क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूट कर दूँ। भाई हम में से ऐसे कितने हैं जिनके सेम हालात है या सेम हालात थे? सर थे। देखो ये तीन वहां से यहाँ आ गए ना, मतलब तुम भी आ सकते। ये तीनों ये वो ना सेम हालात थे, और एक चौथा सेम हालात, क्योंकि मैंने इनसे ज्यादा पेपर क्रैक करे ना, सेम हालात। वंडर ऑफ साइंस याद करा है टीचर? मुझे भी कराया। महात्मा गांधी याद कराया? भी कराया। फिर जब ऐसा लगा कि जल्दी याद कर लेते हैं तो माई हो गई न्यूज पेपर। अगर नहीं आ रहा है ना इंग्लिश अभी, टाइम्स ऑफ इंडिया लगा लो, ठीक है? अगर इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज नहीं समझ में आती है, जो मैंने किया था मैं बता रही हूँ, नहीं समझ आता बिल्कुल, जो मार्केट वाली न्यूज होती है ना, बिल्कुल ये कर दिया वो कर दिया, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो। एक दो महीने वहाँ पढ़ोगे ना तो वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी और आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। उसके बाद फिर जाके आप आता ना द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसमें फिर आपको पता है चूज़ करने में सही रहेगा कि कौन सा इकोनॉमी से रिलेटेड है, कौन सी स्कीम लॉन्च की है गवर्नमेंट ने, क्या चल रहा है वैक्सीन का। तो धीरे धीरे जब उस आर्टिकल पर आप आओगे ना, आपको इंग्लिश में अपने आप इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। और रही ग्रामर की बात, तो ग्रामर तो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में बैठ के कर लो उसको, और दो दो करके डेली रूल्स रटते रहो बस। और रीडिंग आपकी पता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, रीडिंग प्लस वोकैबुलरी, कि मैं आज तक यही करती आ रही हूँ। ग्रामर तो मेरा कब का हो चुका था, मेरा रीडिंग ही चल रहा है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसको अपनी मतलब एडप्ट करोगे कि ये बात हम सबको पता है कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, हमें तो मैक्सिमम लोगों को पता है, इवन जो इंग्लिश मीडियम पढ़कर आए हैं। एग्जाम जो होती है वो ग्रामेटिकली भी करेक्शन, आपसे ग्रामेटिकली करेक्ट चीज़ मांगती है ना, तो दोनों बातें वहाँ पर काम करती हैं। हमारे पास प्लान है, हमें पता है हमारी कमी है, ये हमें करना है, पर ये हकीकत बताओ क्या हम लोग उसके लिए काम करते हैं? जैसे तुमने पूछा क्या करना है, तुम्हें भी पता है ना ये करना है, क्या तुमने ईमानदारी से उस पर कभी काम करा? नहीं करा ना, बस इस वजह से इंग्लिश सही नहीं होती। द वन एंड ओनली रीजन, पता तो हमें है बुक पढ़ना है, हमें पता है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, हमें पता है ये करना है, पर हम उसको करते नहीं है। एग्जीक्यूशन पार्ट जो है हमारा वो वीक नहीं है, वो पुअर है, इस वजह से नहीं हो पाता। और कई लोग ऐसे हैं जो 15 दिन पढ़ लेते फिर आके बोलते मुझे तो इंग्लिश आई नहीं। और 15 दिन में अगर इंग्लिश आ जाती और तुम्हें लगता है एक दो घंटे में पढ़ के 15 दिन में आप इंग्लिश सीख लोगे, तो ये केवल असत्य है, है ना? ये वो है हमारी बीरबल की खिचड़ी जो कभी पकेगी नहीं, आपको दिखेगा ऊपर टंगा हुआ है बर्तन, नीचे लगी हुई है आग, पर उसके डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली अगर सीखना है तो सबसे पहले जो भी प्लान्स है ना मन में, उनको एग्जीक्यूट करना चालू करो। वो करते नहीं है, केवल आपके नीचे चार सेलेक्ट भी हो गए हैं फिर भी मुझे पता है सेम स्टोरी है, इनसे पहले जो सेलेक्ट हो गए हैं सेम स्टोरी है, तुम में से भी कई लोग सेलेक्ट हो गए सेम स्टोरी है। लेकिन अगर ऐसा है बड़ी वैकेंसी निकालो, बिना इंग्लिश के पेपर निकलेगा नहीं, निकलेगा भी तो बाउंड्री पे जाके बैठा रहोगे, फाइनल कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। अब ये तो वो हकीकत जो है। वापस आते हैं बात पे, जैसे मोनिका ने बताया मैं उसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूँ। अंग्रेजी अखबार क्यों पढ़ना है? पढ़ने के पीछे का रीजन क्या है? नॉलेज गेन करना है? नहीं, नॉलेज गेन अभी नहीं करना, हमें क्या सीखना है? इंग्लिश। और इंटरेस्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं सीखेंगे। इंटरेस्ट आना सबसे पहले जरूरी है। और इंटरेस्ट कैसी चीजों में आता है? जो हमें पसंद, मतलब जिसके बारे में हमें पहले से पता है। अंग्रेजी अखबार उठाओ, उसमें से आप जो पढ़ोगे आपका फेवरेट एरिया क्या पसंद है? बॉलीवुड की खबरें पसंद है, पढ़ो। सैफ अली खान का एक बच्चा और हो गया, पढ़ना कैसे है? इंग्लिश में। भाई जिसको क्रिकेट पसंद है क्या पढ़ना है? क्रिकेट पढ़ना, लेकिन पढ़ना कैसे है? इंग्लिश। पहले अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लो, और कुछ नहीं तो ये समझ में आएगा
अब बेबी बॉय और अब बेबी गर्ल, बाकी आगे पीछे जो भी लिख रखा है, कब पैदा हुआ कैसा पैदा हुआ, हमें कोई लेना देना नहीं, इतना तो समझ में आए, मतलब साइंस तो दे जाता है ना, लिखा है क्या मतलब होगा, अगर प्रेजेंट में चल रहा है मतलब हो गया, वॉज लिखा था तो था, इतना तो स्टार्ट करो, कम से कम इतनी तो शुरुआत करो। ऐसे ही क्रिकेट में समझ तो आएगा, 24 गेंद 12 रन, बाकी जो भी लिखा है सब साफ है हमारा, लेकिन 24 गेंद बाद, अच्छा हम ढूंढेंगे वो, हम ढूंढते हैं ना ये सेंटेंस ढूंढते, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है, हमें उसमें जाना है, हमें ढूंढते हुए पढ़ते हुए वहां तक पहुंचना है, तो बीच की काफी सारी चीजें नेचुरली अंदर आने लगती है, ठीक। और एक एकदम लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ये लोग भी कह रहे हैं कि ग्रामर पढ़ते हैं, ये जरूरी है ग्रामर किताब से ही पढ़नी है, ग्रामर अखबार में नहीं है, ऐसी कौन सी भाषा जो बिना ग्रामर के चलती हो, नाउन पढ़ना है, एक दिन कसम खाइए कि नाउन पढ़ना है, नाउन के सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पढ़ने, अखबार उठाओ जो पढ़ रहे हो उसमें जितने नाउन है सबको अंडरलाइन कर दो, अपने आप समझ में आएगा ये कौन सा वाला नाउन है, ये सही तरीका है, अखबार उठाओ अंडरलाइन कर लो, प्रोनाउन पढ़ना है ना सारे अंडरलाइन कर लो, एडजेक्टिव पढ़ना अंडरलाइन कर लो, समझ में